हेलो फ्रेंड, टुडे वी विल टेक सेकंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एल्किनिटी ऑफ वाटर। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं हम। अ सैंपल ऑफ वाटर वाज अल्कलाइन टू बोथ फिनोफ्थेलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। 100 ml ऑफ दिस वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 12.4 ml ऑफ Ni50H2SO4 for phenolphthalein endpoint and 15.2 ml of the acid to methyl orange endpoint. Determine the types and extent of alkalinity present. ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम बिल्कुल एक मिनट में पूरा अपन समराइज कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला है। जो वाटर सैंपल है, जो हमारा वाटर सैंपल उन्होंने लिया हुआ है, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, हम एक बार समराइज कर लेते हैं। वाटर सैंपल जो लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ है 100 ml, और जब हमने उसको फिनोफ्थेलीन इंडिकेटर के साथ जब उसको टाइट्रेट किया, तो टाइट्रेट किसके साथ किया हमने? Ni50H2SO4 के साथ। मतलब H2SO4 की जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी हो गई? Ni50 है। जब हमने फिनोफ्थेलीन के साथ टाइट्रेट किया तो जो हमारी रीडिंग आ रही है, जो यूनिट रीडिंग आ रही है, वो आ रही है 12.4। और जब हमने मिथाइल ऑरेंज के साथ किया तब हमारा आंसर आया है या रीडिंग आई है, वो आई है 15.2। अब उनका क्वेश्चन है कि इसमें हमको जो भी वाटर सैंपल है उसकी अल्कलिनिटी डिटरमाइन करना है और कौन कौन से आयन इसमें प्रेजेंट होंगे वो हमको निकालना है। तो आप देखिएगा, बिल्कुल अपन इजीली इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आपको जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, आंसर आपका बहुत ही इजी वे में आएगा, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। तो देखिएगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 में हमने अज्यूम कर लिया है H2SO4 की नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम, और N2V2 में हमने अज्यूम कर लिया है अल्कलाइन वाटर की नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। अब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहला जो कैलकुलेशन होगा वो होगा फिनोफ्थेलीन इंडिकेटर के साथ। फिनोफ्थेलीन इंडिकेटर के साथ करते हैं। देखिए, N1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आती है 1/50। V1 जो है वो फिनोफ्थेलीन के साथ जो हमने टाइट्रेशन किया, तो टाइट्रेशन करने पर जो हमारी रीडिंग आई वो आई है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 12.4। N2 आपको डिटरमाइन करना है। V2 मीन्स होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको कहां पर दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 100 ml। अब हम निकालते हैं N2 की वैल्यू। N2 की वैल्यू निकालने के लिए 1/50 × 12.4/100, और इसी को हम बोलेंगे यहां पर Np की वैल्यू। अब इससे हम निकालेंगे P की वैल्यू। तो P की वैल्यू निकालने के लिए यदि हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं तो पूरा पूरा आप लिख सकते हैं Ni 12.4/50 × 100। और जब पी की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हम इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 50 × 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैंसिल हो जाएगा तो इसीलिए आंसर आ जाएगा। देखिएगा, ये 50 से 50 कैंसिल हो जा रहा है, ये 100 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की वैल्यू सीधी सीधी हमारी आ रही है 124 ppm। ये पूरा हमारा किसका हो गया? फिनोफ्थेलीन के साथ कैलकुलेशन हो गया। जब हम इसी को पूरा मिथाइल ऑरेंज के साथ करते हैं तो वापस से हमको एक बार फिर से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, और सब कुछ सेम रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो V1 है, V1 मीन से वॉल्यूम ऑफ H2SO4, सिर्फ उस V1 की वैल्यू को ही चेंज करना, बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है। तो V1 जो है यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज के साथ जो आंसर जो हम रीडिंग आ रही है वो आ रही है 15.2। तो आप जहां पर हमने 12.4 लिखा था उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? 15.2। यहाँ पर भी लिख देंगे 15.2, और जब 15.2 हमने हर जगह पर लिख दिया है तो जो आंसर यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा 152 ppm। ये हमारा पूरा इसका हमने वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ पर Nm हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी P।
एम की पी की जगह एम की वैल्यू हो जाएगी। अब इनको दोनों को हम कोरिलेट करेंगे अपनी टेबल के साथ, तो टेबल के साथ कोरिलेट करते समय हम देखेंगे कि जो आंसर जो आ रहा है और हमारा वो हमारी किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, p इज ग्रेटर देन हाफ m, क्यों, क्योंकि 152 क्या है m की वैल्यू, यदि इसको हम हाफ करते हैं आधा करते हैं तो 124 p की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 124 और जो m की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 152। अब 152 को हम हाफ करते हैं तो p क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो कंडीशन कौन सी लग रही है हमारी, p इज ग्रेटर देन हाफ m, इस कंडीशन को हमारा रिजल्ट जो है वो उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इस कंडीशन में जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यदि p इज ग्रेटर देन हाफ m मींस हमारे जो वाटर सैंपल में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है एंड कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, ये हमने यहाँ पर कोरिलेट किया हुआ। अब हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन यदि हमको निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 × P − m, तो 2 × P − m में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × P, पी की वैल्यू कितनी है 124 और माइनस कितने हो जाएगा 152, तो आंसर आ जाएगा हमारा 96 ppm, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला है 2 × m − p, तो 2 × m की वैल्यू है 152 − 124, इसको करने की वजह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 56 ppm। तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि हमारे वाटर सैंपल में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है एंड कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाला है 96 ppm एंड कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला है 56 ppm। तो ये हमारा एल्कलिटी ऑफ वाटर डिटरमिनेशन का न्यूमेरिकल है और ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। यदि आप किसी भी स्टेप में इतनी सी भी प्रॉब्लम यदि होती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से उसका दोबारा एक्सप्लेनेशन जरूर लिख करके दूंगी।